सिंधु जी तारीख तहजीब बोली ऐं सकाफ़त बाबति तफ़सीली ॼाण मुहैया कंदड़ चैनल सिंधी अदब जे डेस्क तव्हांखे भलीकार कजे थी। अॼु पाण सिंधी ॿोली जे नामियारे शाइर ऐं अदीब ताजिल बेवस बाबति ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। इन खां अॻु दोस्तनि खे गुज़ारिश कजे थी त असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कंदा ऐं दोस्तनि सां शेयर कंदा, जीअं पंहिंजी ॻाल्हि ॿोल वधि खां वधि साथियुनि ताईं पहुची सघे। तूं मिलंदो रहंदे ख़्वाबनि में, तूं मिलंदो रहंदे ख़्वाबनि में, को कीअं थो चवे, को कीअं थो चवे, कॾहिं निंड कॾहिं ओ जागन में, को कीअं थो चवे, को कीअं थो चवे, तूं त वरणो हुएं, तूं त वरणो हुएं वसकारनि में, छो न मोटे मेघ मल्हारनि में, अखि फिरंदी रही फूलारनि में, दिलि सड़ंदी रही सैलाबनि में, ॾिनी कांगन टुपकी टारियुनि ते, ॾिनी कांगन टुपकी टारियुनि ते, कया वार वरह वीचारनि ते, तोखे ॾिसबो रोज़ दीवारनि ते, या त पढ़बो कॾहिं किताबनि में, अचु अखियुनि वसी सैलाब कया, अचु कणकनि में हिन लाभ पिया, अॼु ताईं न पूरा ख़्वाब थिया, केसी रहंदे यार हिजाबनि में, कॾहिं बेवस तुंहिंजा ज़ख़्म उघिया, कॾहिं धरती तुंहिंजा पार पुछिया, अॼु पथर बि तुंहिंजा कीन थिया, कॾहिं तरंदो हुएं गुलाबनि में। हिन ख़ूबसूरत शायरी जो सिरजणहार ताजल बेवस आहे। सिंधी ॿोली जे नामियारे शाइर अदीब ऐं नकार ताजल बेवस जो असुल नालो ताज महमद हुयो। पाण महमद जाफ़र समून जे घर में जनम वरितो। संदसि जनम जी तारीख़ 22 सेप्टेंबर 1938 आहे। पाण हिन शुरूआती तइलीम नूरपुर स्कूल मां हासिलु कई, जॾहिं त सानवी तइलीम गंबट हाई स्कूल मां ऐं ग्रेजुएशन सिंध यूनिवर्सिटी जामशोर मां कई। बाद में एमए इक़्तिसादियात सिंध यूनिवर्सिटी मां करण खां पोइ जापान थाईलैंड ऐं अमेरिका मां मुख़्तलिफ़ कोर्स करे सिंध पहुतो। ताजल बेवस 1960 में अंग्रेज़ी उस्ताद तौरु मुलाज़मत जी शुरूआति कई। बाद में सिंध हुकूमत जे केतिरनि इदारनि कंपनियुनि में इन्वेस्टिगेटर, रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट चीफ, डिप्टी चीफ, चीफ ऐं रजिस्ट्रार जे उहिदनि ते ख़िदमतूं सरंजाम ॾिनई। मर्कज़ी हुकूमत में एडिशन सेक्रेटरी बि रहियो। कॉर्पोरेट लॉ अथॉरिटी में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ जे उहिदे तां रिटायर कई। उन बैदि शाह अब्दुल लतीफ़ यूनिवर्सिटी खैरपुर में कुझु अरसे लाइ वाइस चांसलर जो सलाहकार पिणु रहियो। ताजल बेवस कुझु अरसो सिंधी लैंग्वेज अथॉरिटी जे बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो मेंबर बि रही चुको। ताजल बेवस शायरी सां गॾो गॾु कहाणियूं, कालम ऐं मज़मून बि लिखिया। संदसि हफ़्तेवार कालम अवामी आवाज़ समेत मुख़्तलिफ़ सिंधी अख़बारनि में छपजंदा रहिया। संदसि शायरी, सफ़रनामनि, आत्मकथा ऐं मुख़्तलिफ़ मौज़ूअनि ते 44 किताब लिखियल आहिनि, जिन मां कुझु छपियल आहिनि ऐं कुझु अणछपियल आहिनि। संदसि छपियल किताबनि में जॾहिं भूमि बणी शायरी, अंबनि झलियो ॿूर, सर्जींदड़ साणीअ जा, सिंध मुंहिंजी अमां, काछे मथां कूज, कंधीअ कंवर तरम, ॾूर बि ओॾा सुपरी, कधीअ अक फुलारिया, ॾूरियां ॾोरियां ॾोरियां मल हां, तुंहिंजा नेण गज़ल, आरीजन खां इलहास नगर, हिंदु सिंध जे अदीबनि जा ख़त, चप इंजीर जे हाशन जहिड़ा 100 गज़ल ऐं ताजल जो रिसालो मशहूरु किताबु आहे।
ताजल बेवस जे मशहूर कलाम सिंध मुझी अमा सूह तुझे मथा, सिंध मुझी अमा सूह तुझे मथा छा लिखी छा लिखा। सिंध तोड़े हिंद में वड़ी मकबूलियत हासिल कई। हिंद में उनके डॉक्टर मोती प्रकाश के तराने आंधी में जोत जलायण वारा सिंधी वांगर हिमायत हासिल थी। ताजल बेवस के हिंदुस्तान में केतरा ही मंचता वाडिना व्या। सिंध के इन नामियारे शायर दिमागी नस फाटल सबब यानी ब्रेन हेमरेज सबब 13 दिसंबर 2008 ते वफात कई। संदस आखिरी आराम का शोकखंडी कब्रिस्तान कराची में है। मेहरबानी।